नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मामला लखीमपुर खीरी के पसगवा कोतवाली क्षेत्र के बरबर गांव का है, जहां आज सुबह बबलू नाम के युवक ने अपनी ही पत्नी की हत्या चाय बनाने के दौरान चाकुओं से गोदकर कर दी। रेनू सुबह चाय बनाने के लिए उठी तो उसके पति बबलू से चाय बनाने को लेकर विवाद हो गया। बातों ही बातों में बबलू इतना आग बबूला हो गया कि उसने रसोई में रखे चाकू से अपनी पत्नी की गोद कर हत्या कर दी और फिर मौके से फरार हो गया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद एसपी लखीमपुर खीरी पूनम ने बताया कि चाय को लेकर विवाद में पति बबलू ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। ऐसे में जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की रिपोर्ट। तो अच्छा, ये जो आज ये जो कांड हुआ है, ये आपकी कौन थी? लड़की थी। कितने साल पहले आपने इसकी शादी यहाँ पे की थी? 13 साल हो गए। किसके साथ में की थी? बबलू। 13 साल में। 13 साल में कोई विवाद हुआ या नहीं? नहीं। अच्छा, ये जो घटना हुई है इसके पीछे रंजिश क्या हो सकती है? कुछ नहीं, कोई नहीं, कोई बात आपसी विवाद है। अच्छा, कितने पुत्र पुत्रियाँ इनकी? 2 लड़के 1 लड़की। 2 लड़के 1 लड़की। ये एकदम आज रात में एकदम ये घटना घटी है? इससे पहले कभी कोई विवाद नहीं? कुछ नहीं। अच्छा, आपको जानकारी इस चीज की कब मिली? हमें लगभग 7:30 बजे मिला। सुबह तब आप वहाँ से आए हैं? तो क्या आप पुलिस को कुछ एप्लीकेशन वगैरह दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं अभी, कुछ नहीं। ये एक बबलू है, पुत्र बद्री प्रसाद। इसने सुबह, जो कि पसगवा थाना क्षेत्र में रहता है, बरबर चौकी क्षेत्र में, जानकारी मिली है कि सुबह इसने अपने पत्नी की चाकू से हत्या की है। और वो चाय बना रही थी, किसी बात पर इनका वाद विवाद आपस में हुआ है और अभी छानबीन की जा रही है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, वैधानिक कार्रवाई इसके विरुद्ध की जा रही है। आदर सत्कार की परंपरा हम हमेशा दिल से निभाते हैं। आपकी हर छोटी बड़ी खुशियों में हम 4 चांद लगाते हैं। प्यार भरी भेंट और उपहारों के रूप में त्योहारों की रौनक बढ़ाते हैं। आपके सभी अनमोल रिश्तों को हम प्यार से सजाते हैं। स्वर्ण अलंकार की कला समेटे हम हैं शिवा ज्वेलर्स, घास बाजार, मऊ।